कोड़ा कहीं कोड़ी पर बनाए कुछ तो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल येट टू बी डिसाइडेड। हम स्वागत करते हैं आपका जयपुर सीरीज़ के एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो आज हम आए हैं सबसे पहले आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट को एम्बर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और ये टूरिस्ट के बीच में एक मेजर अट्रैक्शन है जिसको हम काफ़ी दूर से देख सकते हैं और बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। बेसिकली आमेर एक टाउन है जयपुर में जिसके अंदर ये पैलेस लोकेटेड है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फोर्ट के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको अगर यहाँ आना है तो प्लीज़ एक गाइड ज़रूर कर ले बिकॉज फोर्ट बहुत बड़ा है, इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और यहाँ इसकी हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए। देखो विकीपीडिया पे आप हिस्ट्री देख सकते हो बट गाइड आपको अच्छा बताएगा बिकॉज वो लोकलाइट है और वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे साथ आज हैं राजेश भाई जो हमारे गाइड रहेंगे। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग जो है ये जयपुर का सबसे खूबसूरत पैलेस है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोनूमेंट्स है। इस पैलेस का जो नाम है अम्बर पैलेस। राइट नाउ हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये जो जगह है, अगर आप लोग बसेस वगैरह से आ रहे हैं ट्रैवलिंग करके तो बसेस पार्किंग यहीं होगी बिकॉज देर इज़ नो स्पेस टू पार्क ओवर देयर। बसेस पार्किंग करने के बाद हम लोगों के पास रास्ता है या तो हम लोग वॉक करें वहाँ से गार्डन होते हुए या हम लोगों को यहाँ से लोकली जीप हायर करनी पड़ती है। ये जयपुर का सबसे खूबसूरत पैलेस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोनूमेंट है, नोन एज अम्बर पैलेस। इसका ओरिजिनल जो नाम है दैट इज़ अम्बर बट लोग इसे आमेर के नाम से जानते हैं, भी इसका साइलेंट है। यूनेस्को की प्रॉपर्टी है, राजा मान सिंह का किला है, बादशाह अकबर का ससुराल है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ हम लोग खड़े हैं जनरली इसी स्टेज पर अगर हम सीधे जाके राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे जो है लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता था इस पैलेस में, जो कि बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन था पैलेस का। अनफॉर्चुनेटली 1 दिसंबर से ये NGT ने इसको बैन कर दिया है। होपफुली ये खुल जाएगा कुछ समय के बाद में, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा ग्राउंड लेवल। सामने जो मैं पहाड़ी के ऊपर देख रहा हूँ एक और चीज़, वो जो है जयगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं, जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन है देखने का, विश्व की सबसे बड़ी तोप। चलिए एनीवे हम लोग अभी पैलेस के अंदर चलते हैं, बाकी चीज़ मैं आपको पैलेस के बारे में बताता हूँ जो कि इस पैलेस की खूबसूरती जब हम अंदर चलेंगे तो देखेंगे। थैंक यू। देखिए हम लोग महल के अंदर में आ चुके हैं, जिस महल के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो पैलेस है, मैंने आपको बार-बार कहा है जयपुर का सबसे खूबसूरत इमारत, खूबसूरत महल है जिसे अम्बर पैलेस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली अम्बर जो है एक हिंदी वर्ड है, अम्बर का मतलब है आसमान। ये जो बिल्डिंग है 400 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया हुआ। यू नो अबाउट मानसिंह, जो कि बादशाह अकबर के चीफ कमांडर थे, सेनापति, जिन मानसिंह की सिस्टर थी जोधाबाई, जिन्होंने बादशाह अकबर के साथ शादी किया, उन्होंने इस महल को 1592 में बनाना स्टार्ट किया 1592।
आफ्टर दिस उसी के बाद में पूरा बिल्डिंग पूरा महल तीन राजाओं के द्वारा बन के कम्प्लीट हुआ। बिकॉज इस महल को बनने में जो टाइम लगा इट्स अ लॉन्ग पीरियड 137 साल इस बिल्डिंग को बनने में लगी। नोबडी अलाइव दैट मच लॉन्ग लाइफ, दैट्स व्हाई ये महल तीन राजाओं ने मिलकर बनाया, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह एंड सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड इज द लास्ट पर्सन ऑफ द पैलेस जिन्होंने इसे 1727 में कंप्लीट किया। उसी के बाद जयसिंह शिफ्ट हुए जयपुर और जयपुर जो रखा जयसिंह के नाम के ऊपर रखा। यू नो द मीन ऑफ जयपुर, जयपुर का जो मतलब है अगर हम इसको सिंपल भाषा में सोचें, जय प्लस पुर, राजा का नाम जय, दैट्स व्हाई जयपुर का मतलब टाउन, जयसिंह का टाउन लाइक उदयपुर, जोधपुर। व्हाट हैपेंड, इतना खूबसूरत महल बनाने के बाद उन्होंने इस महल को क्यों छोड़ा, उसके तीन बहुत बड़े रीजन थे। आपको मालूम हो जयसिंह जो थे सेकंड, ही वाज हिमसेल्फ गुड आर्किटेक्चर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर, ही थॉट कि ये महल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ, लेकिन इसके माइनस पॉइंट जो है ये पहाड़ी के ऊपर में बना हुआ। नंबर टू, दैट टाइम यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी। नंबर थर्ड, पीछे का जो टाउन था ये काफ़ी छोटा। ये तीन मुख्य बातें जो जयसिंह यहाँ से जयपुर को शिफ्ट हुए और जयपुर जाने पर उन्होंने सर्वप्रथम बनवाया जंतर मंतर। इंडिया में पाँच जगह जंतर मंतर बने हैं, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी एंड जयपुर। एवरीवेयर जंतर मंतर जो है जयसिंह ने बनाए, बिकॉज ही हैव ए वेरी गुड नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। लेकिन केवल जयपुर का जंतर मंतर है जो कि पूरा कंप्लीट बना है, बाकी सारे अनकंप्लीट, बिकॉज जयपुर इज अ होम टाउन ऑफ द किंग। सो जयपुर की जो बर्थ डेट है दैट इज 18th of November 1727। बिफोर जयपुर ये राजाओं का रेजिडेंस था। मेरे सामने में आप ये देखो ऊंचे आर्च बने हुए, दैट टाइम इज दैट ए क्राफ्ट बाजार, ये रानियों की शॉपिंग एरियाज हुआ करती थी, ऊपर में सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे। सामने में एक खूबसूरत गेट देखिए आप लोग, इस गेट को कहते हैं सूरज पोल, पोल मीन्स गेट, सूरज बिकॉज ये ईस्ट फेसिंग है, पूर्व में है। अगर आप लोग वॉक करके आते तो आप इसी गेट से आते, अगर आप एलिफेंट से आते तो आप इसी गेट से आते। इस गेट को सूरज पोल कहते हैं। चूंकि हम लोग गाड़ी से आए, वेस्ट से आए, इसे कहते हैं चांद पोल, ईस्ट और वेस्ट। ये जो ग्राउंड जहाँ हम लोग खड़े हैं इसे कहते हैं जलेब चौक, जलेब मीन्स इट्स नॉट ए स्वीट जलेबी, फारसी लैंग्वेज में स्क्वायर को जलेब कहते हैं, इट्स ए परेड ग्राउंड हॉल, ये आर्मी परेड हुआ करती थी। पैलेस में हम लोग चलेंगे, सामने से हमें टिकट लेना है, आप मुझे फॉलो करेंगे, सामने से हमारा टिकट्स है। ये टिकट जनरली जो है 100 rupees का इंडियन टिकट्स है, फॉरनर्स का विदेशी टिकट 500 rupees है, 500 rupees। इफ एनी ऑफ यू गॉट ए स्टूडेंट IDs, किसी के पास होता है कॉलेज ID और स्टूडेंट IDs, वॉट एवर, आइदर यू गॉट ए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, 20 rupees का आपको टिकट मिलेगा। ये मेरे सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स लिया है और पूरा मेंशन किया हुआ है टिकट्स के ऊपर में। आज संडे की वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्राउड है देखने को मिल रहा है। ओके, फाइनली हम लोग महल के अंदर में हैं, जिस महल के बारे में हम लोगों ने बताया आपको, अंबर पैलेस। देखिए मेरे ऊपर से यहाँ से खूबसूरत नज़ारा, आप देखिए पीछे की पहाड़ी देखिए, इस पहाड़ी को जो है लोकली नोन एज अरावली, अरावली माउंटेंस कहते हैं। और कंप्लीट जो अंबर सिटी है इट वॉज सराउंडेड विद द माउंटेंस, पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। इनके ऊपर बने हुए गुम्बद देखिए, दीज आर ऑल वॉच टावर, ये परकोटे बने हैं 12 miles के घेरे में। इट मीन्स दैट टाइम को टेलीफोन, मोबाइल या वायरलेस नहीं होता था, कभी कोई दुश्मन अटैक करता था आर्मी वॉज देयर, नगाड़ा बजाते थे, बाजा बजाते थे और फोर्ट तक मैसेज करते थे। तो ये जो वॉल बनी है ये पूरी प्रोटेक्शन वॉल है, लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो खूबसूरत, इफ यू रिमेंबर, सोनम की एंट्री हो रही होती है लाल कार में, इसी गेट से सोनम की एंट्री होती है, पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी होती है। इस चौक में आप देखेंगे वीर फिल्म आपने देखी हो सलमान खान की, पूरा सेट यहाँ का बना था। ये इस पैलेस का पहला हॉल है, फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट हॉल, जिसे हम लोग कहते हैं पब्लिक ऑडियंस, दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास आपको हर एक पैलेस और फोर्ट में देखने को मिलेगा। आम का मतलब है आम लोगों के लिए, खास का मतलब है खास मेहमानों के लिए। इस जगह की इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आप देखिए, इसका छत बना हुआ है, ये पूरा जो छत बना है 48 number of pillars हैं, 48 khambe हैं जिसके ऊपर पूरा छत बना हुआ है। एवरी पिल्लर इज़ वन पीस अप टू डाउन, कोई जॉइंट यहाँ नहीं है। देर इज़ टू काइंड ऑफ पिल्लर, एक आप देखेंगे पिंक, दूसरा देखेंगे वाइट, एक पिंक और एक वाइट। ये जो महल हम देख रहे हैं आपको यहाँ मिलेंगी बहुत कॉम्बिनेशन हिंदू और मुगल, ऐसा इसलिए है राजा मानसिंह का किला था, बादशाह अकबर का ससुराल, जोधा का महका। देखिए हिंदू कौन सा है, सो इंटरेस्टिंग, ऊपर में देखिए हाथी का हेड, हेड ऑफ एलिफेंट विद लोटस फ्लावर एवरीवेयर, हर एक पिल्लर्स में आप देखेंगे। अकॉर्डिंग हिंदू संस्कृति एलिफेंट इज अवर सिंबल ऑफ लॉर्ड गणेश, ये हिंदू आर्ट है पीछे में सारी। और नीचे में आप देख रहे हैं दीज आर ऑल मुगल इस्लामिक,
जनरली हम लोग हिंदू संस्कृति में कार्विंग यूज नहीं करते, और मुगल जो है जानवर को अच्छा यूज नहीं करते, दैट इज हिंदू। ये मुगल सामने देखे थे जैसी का दरबार लगता था, बीच में कालीन बिछोते थे कारपेट, फ्रंट में राजा के एडवाइजर्स लोग आते और बैठते। इट्स ए पब्लिक कोर्ट नोन एज दीवानी आम, आम आदमी के लिए ये पब्लिक कोर्ट है। यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं बहुत। सामने जो आप देख रहे हैं ये लेडीज अपार्टमेंट्स हैं, बिकॉज पर्दा सिस्टम होता था, रानियां झरोखों से वॉच करती थी दीवानी। सपोज इनकेस अगर रानियां दीवानी हम वॉच करना चाहें तो उनकी बैठने की जगह थी, बिकॉज पर्दा सिस्टम था, बाहर उनको परमिशन नहीं थी। फॉर एग्जांपल यहां से आप अंदर देखिए, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट जब आप अंदर जाके देखते हैं तो आप ईच एंड एवरी फेस यू कैन रीड फ्रॉम देयर। अपोजिट साइड में डाइनिंग हॉल्स बने हैं, भोजनशालाएं। ये इस महल का खूबसूरत गेट है जिसे कहते हैं गणेश पोल। पोल मीन्स गेट। गणेश अकॉर्डिंग हिंदू संस्कृति हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में किया हुआ है गणेश का पेंटिंग। सबसे खूबसूरत चीज़ें जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं 350 वर्ष पुरानी पेंटिंग है, विच इज कॉल्ड इंडियन वॉल फ्रेस्को, 350 ईयर्स ओल्ड, स्टिल लुक्स न्यू। रीज़न क्या है, दैट पीरियड हमारे पास सिंथेटिक या केमिकल्स नहीं थे, कलर बनते थे नेचुरल, हरी सब्जी, फ्रूट, वनस्पति। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर्स देख रहे हैं, ये ग्रीन लीव्स को मॉल्ट करके लाइक पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, इनको मॉल्ट करके बनाया। पीला कलर कच्चा हल्दी, नींबू का छिलका, लाल कलर गन्ने का जूस, अनार का दाना, ब्लैक रस्ट ऑफ आयरन, लोहे का। इसी गेट के ऊपर में काफ़ी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में ये गेट आपको देखने को मिले। ये बहुत ही खूबसूरत गेट है गणेश को। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं महल के भीतर में, प्राइवेसी पार्ट ऑफ पैलेस, जहाँ राजाओं के अपार्टमेंट है। बिफोर दैट वी कैन शो यू द नाइस व्यू फ्रॉम हियर। इज इट नोन एज 27 कचहरी, इट्स ए अकाउंटिंग पार्ट ऑफ दीवानी आम। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, अभी हम आमिर महल के टॉप के ऊपर में है। सामने पानी के बीच में बगीचा बना हुआ है जिसे सैफ्रॉन बगीचा, केसर गार्डन कहते हैं। राजा जयसिंह ने कश्मीर से केसर का पौधा प्लांट लाके गार्डन में लगाया। ही थॉट कि केसर यहाँ सक्सेस होगा। खूबसूरत नज़ारा, केसर का परफ्यूम हवा के साथ महलों में लिया जाए, उनका प्लान ही सक्सेस नहीं हुआ। बिकॉज केसर होता है कूल प्लेस लाइक कश्मीर, हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, केसर यहाँ जल गया, केवल इसका नाम रह गया केसर गार्डन। रात के समय इस महल में जो लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, आप सामने बेंचेस लगी देख रहे हैं, दो शो होते थे, वन ऑफ इंग्लिश, सेकंड इज हिंदी। नेचुरल तालाब है, बारिश का पानी आके इसमें इकट्ठा होता है। ये नज़ारे नीचे से रास्ते, जो गाड़ियों से आने का रास्ता है, पोलो कार्ट अभी यहाँ पे चलती है आफ्टर 12, 12 बजे के बाद में इस तरीके की बैटरी कार्स चलती हैं, लोग इसका भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली रास्ता हाथी से ऊपर आने का। एलिफेंट से लोग इसी रास्ते से आते हैं, ये प्रोटेक्शन वॉल से जो मैंने आपको बताया। Look at these door gates. These are the main entry gates. हैं ये गेट जो है टीक वुड, शीशम की लकड़ी, जिसके ऊपर में ब्रास का चद्दर चढ़ा है। हर एक गेट का जो वजन है अप्रॉक्स 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम एक दरवाजे का वजन है, काफ़ी हैवी डोर्स है। ऊपर में आप पेंटिंग्स देखिए, जयपुर जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है स्टोन्स की, प्रेसी सेमी प्रेसी स्टोन्स, बर्थ स्टोन्स, जो स्टोन्स की रफ होती है उसके किए कलर से, रूबी, एमराल्ड, कोरल, सफायर, 17th सेंचुरीज का एक पेंटिंग है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, अभी देखिए पेंटिंग बड़ा सिंपल है, आप इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे इट्स लाइक ए मैजिक, दैट्स रियल That's real gold in the border. So you can see these are the real gold. सामने देखिए brightness आपको खूबसूरत दिखेगा. If you go there, you can see from there. Because सामने से reflection real gold. दिस इज द प्राइवेसी पार्ट ऑफ पैलेस, जहाँ राजाओं के अपार्टमेंट बने हैं। दैट टाइम किसी को भीतर आने का परमिशन नहीं होता था। मैंने आपको बताया महल मानसिंह ने बनाया, जो वॉल देख रहे हैं इस वॉल के जस्ट पीछे मानसिंह का महल है। इट मीन्स ये पीछे से बनना स्टार्ट हुआ और जयसिंह ने इसको बाहर लाके रखे। हम लोग जहाँ खड़े हैं महल का मिड पार्ट है, जो कि जयसिंह ने बनाया। जयसिंह वॉज द सेम पर्सन जिन्होंने जयपुर शहर बनाया। इफ यू रिमेंबर ऑलरेडी आई टोल्ड यू जयसिंह अबाउट जयसिंह, ही वॉज हिमसेल्फ गुड आर्किटेक्चर इन ऑल। सो वॉट इज स्पेशल इन जयसिंह पैलेस, राजा जयसिंह की दो वाइफ थी, दो उनके बेडरूम्स बने, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उनकी दो रानियाँ थी, दैट इज बिग इम्पॉर्टेंट। 300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी। अब देखेंगे उन्होंने विदाउट बिजली सीजन के अकॉर्डिंग महल बनाया। ये पर्टिकुलर महल जहाँ हम खड़े हैं, ये बारिश के समय रहने का था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मानसून, जहाँ बारिश के समय रहते थे। ऊपर छत पे देखेंगे समर महल, नीचे बना हुआ विंटर पैलेस। हर एक साइड में दो रानी के दो अपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बारिश का महल, इसका नाम है हॉल ऑफ प्लेजर, सुख निवास। वेन यू सी द बेडरूम, यू कैन सी इट वॉज सो स्मॉल, बिकॉज दैट टाइम बेडरूम जो होता था जस्ट फॉर स्लीपिंग, बाकी जगह
में रूम के साथ अटैच होती थी, लाइक के बैंकेट हॉल फ्लोरिंग में यहाँ कारपेट बिछे होते थे। प्राइवेसी के लिए जो रिंग्स देते हैं बड़े कर्टन्स कारपेट यूज करते हैं। Look at the bedrooms here. ये पहली रानी का बेडरूम से आपको काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरा अंदर से राउंड करता हुआ है। इस रूम बेडरूम की खास बात क्या है, इसके अंदर जो दरवाजा आप देख रहे हैं 17 सेंचुरीज का है, सैंडलवुड डोर से चंदन की लकड़ी ताकि रूम में खुशबू नहीं रहे। सामने व्हील चेयर रखी है रिक्शा गाड़ी। इस व्हील रिक्शा गाड़ी का यूज़ क्या था, दैट टाइम जो लेडीज़ होती थी रानियाँ उनकी ड्रेसेस काफ़ी हैवी होती थी। फॉर एग्जाम्पल जयपुर का सिटी पैलेस आप देखते हैं वहाँ आपको सिंगल साड़ी मिलेगा जिस साड़ी का जो वेट है अप्रॉक्स 9 to 14 kg, 9 kg से लेकर 14 kg तक की साड़ियाँ होती थी। दैट मच हैवी ड्रेसेस, 2-3 kg ऑर्नामेंट ज्वेलरी। सो पैदल नहीं चल पाती थी, उनके लिए रिक्शा गाड़ी होती थी। इसमें बैठने के बाद दासियाँ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाती थी, नॉट ऑल द टाइम, जस्ट ऑन स्पेशल इवेंट लाइक ए तीज, दिवाली। व्हाट ए लग्जरियस। ऊपर में आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत काम किया हुआ है, ये पूरा मुगल आर्ट से दिखते। नाउ क्वेश्चन इज दैट, आप देखिए कि महल बारिश का कैसे है। आप सामने रैम बना हुआ देखिए, आपने बारिश के समय झरना चलता हुआ देखा होगा। इट इज़ सेम लाइक दैट, बरसात के समय क्या होता था, छत से जितना पानी होता था इस रैम से बाहर निकलता। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सामने देखिए झरोखा, नेचुरल चीज़ है। बारिश होगी तो हवा भी आएगी, पानी टॉप से गिरेगा, हवा विंडो से होगी, ये नेचुरल एसी का काम करेगा। वहाँ से पानी रिसाइकलिंग होता हुआ अंडर द मिरर गार्डन, गार्डन टू स्टोरेज टैंक। बिफोर दैट क्या करते थे, पानी के अंदर सामने में रिपोर्ट क्या करते थे, पानी के अंदर सामने में परफ्यूम डाल देते थे खुशबू, ताकि रूम में खुशबू बन जाए। ये मिरर्स रिसेंटली लगाए, मिरर्स के नीचे में आप देखिए व्हाइट और ब्लैक। इफ़ यू बीन इन आगरा वहाँ देखा हो, वहाँ इनले वर्क है, ये मार्बल है। इट मीन्स पानी स्पीडली चलेगा, डिज़ाइन ऐसा लगेगी पानी के साथ मछलियाँ दौड़ रही हैं। ये जयपुर की स्पेशल साड़ी का डिज़ाइन है, नोन एज लहरिया। वन मोर थिंग्स, आप सामने देखिए 4 हुक्स हैं, इन हुक्स के द्वारा रानियाँ स्विंग किया करती, झूला झूला करती और रानियों के लैक्स पानी के अंदर, ताकि आप देखेंगे रानियों के लेग्स पानी के अंदर में होते थे ताकि रानियों का टेम्परेचर भी ठंडा रहे। ये दूसरी रानी का खूबसूरत बेडरूम्स है, दो रानियां दो बेडरूम। दरवाजे पे देखिए काफ़ी खूबसूरत आइवरी का काम है, हाथी लाख का। ये कारपेट की डिज़ाइन है, एक्चुअली जो डिज़ाइन आप यहाँ देख रहे हैं सामने मेरे नीचे गार्डन देखिए, इस पूरे गार्डन की कॉपी की हुई है। इट वॉज द सेम ऑन द डोर। यू नो राजस्थान मई और जून का महीना काफ़ी गर्म होता है, टेम्परेचर मिनिमम 42 degrees, मैक्सिमम 46-47। जनरली इस तरीके की गर्मी होती है, हम लोग छत पे नहीं रहते, ग्राउंड में रहते हैं, बट दैट इज अपोजिट। अब देखिए सिस्टम क्या है, सबसे पहले देखिए छतरी का डिज़ाइन, ऐसे लग रहा है एलिफेंट की पीठ का डिज़ाइन हो या ये पालकी का डिज़ाइन हो। सपोज कीजिए अगर वो सीधा ऐसा फ्लैट बना होता, सूरज की सीधी रोशनी आके उसको हीट करती, गर्म करती। नंबर दो सिस्टम, दोनों साइड छतरी के ऊपर दो पानी के कंटेनर्स भर के रखते थे। अब देखिए दीवार के साथ एक पाइपलाइन जा रही है, इज इट ओरिजिनल वाटर पाइपलाइन, 17 सेंचुरीज का कॉपर की पाइपलाइन है। पाइपलाइन टैंक से कनेक्ट होती थी, नीचे पाइपलाइन में छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं, छेद किए हैं। पाइपलाइन के ऊपर में रिंग्स है, जैसे इस दीवार पे आप रिंग देख रहे हैं, इन रिंग के साथ क्या करते थे, खसके पर्दे बनाते थे। यू नो खसखस जो हम लोग ग्रास कटन हम लोग कूलर में लगाते हैं, पूरे दरवाजे को फिक्स करते, जैसे ही गर्म हवा आती है आके खस को पुश करती, पाइपलाइन से पानी की ड्रॉप्स गिरती रहती, गर्म हवा ठंडी हवा में कन्वर्ट होकर कूलर का काम करती। इट इज़ लाइक ए स्प्रिंकल कूलर सिस्टम। वापस दो रानी के दो रूम बने हैं, छत को यूज़ करते थे इवेंट्स डांस पार्टीज़ के लिए। नेक्स्ट हम चलेंगे इस महल की सबसे खूबसूरत जगह, जो कि विंटर पैलेस है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांच का महल, लोकली शीश महल। प्लीज़ कम फॉर दैट। अभी हम लोग चल रहे हैं शीश महल में, जो कि इस महल का मेन अट्रैक्शन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांच का महल, लोकली से शीश महल, दीवाने खास और जय मंदिर। इट वॉज बिल्ट बाई मिर्जा राजा जय सिंह 16वीं शताब्दी में, 1622 to 1667 पीरियड। सेम शीश महल मिलेगा दिल्ली रेड फोर्ट और आगरा में, बट दैट वॉज सो स्मॉल, लार्ज स्केल पर बनाए। 3 अपार्टमेंट है, 1 इज ओपन फॉर द डांस म्यूजिक, 2nd विच इज कॉल्ड दीवाने खास, 3rd विंटर बेडरूम। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है शीश महल, इनकी कारीगरी आप देखेंगे उस जमाने की। इसके अंदर रंगीन शीशा लगा है जो कि बेल्जियम और ईरान का मंगाया हुआ दैट पीरियड। अभी क्वेश्चन इज दैट, हाउ दिस पैलेस फॉर विंटर, विंटर महल कैसे है। उस जमाने में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या करते थे, रूम्स के अंदर पूरा शीशा लगा, वन ऑफ दिस बेडरूम, 2nd बेडरूम अपोजिट साइड में, रूम्स के अंदर में पूरा शीशा लगा है अप टू डाउन, स्पेशली क्रिस्टल ग्लास थर्मस का शीशा। रूम के अंदर चारों कॉर्नर्स में 4 लैंप लगाते थे, लैंप की लो से शीशा वार्म होता था, जैसे शीशा गर्म होगा रूम ऑटोमेटिक गर्म होगा, लाइक ए रूम हीटर। आप सोचिए उसका, उनकी थॉट प्रोसेस देखिए, उसका नेगेटिव आप सोचिए, दैट
अगर आप लैंप यूज कर रहे हैं बेडरूम के अंदर, राजा रानी का बेडरूम है, मे बी स्मेल बनेगा, धुआं बनेगा, कार्बन बनेगा, फॉर दैट व्हाट दे डू, दे आर सो क्लेवर, रूम के अंदर दो छोटे हॉल होते थे फॉर वेंटिलेशन, स्मेल बाहर जाती, हवा अंदर पास करती, जैसे ही हवा पास करती लैंप उससे इफेक्ट करता, उसका इफेक्ट मिलता मिरर में, विच इज लुक लाइक द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ऐसा लगता जैसे आसमान में तारे निकल रहे हैं। किंग थॉट वी आर लकी, हम लोग रूम में नहीं खुले आसमान में आराम, तारे आसमान में होते, चांद कहीं नहीं, चांद राजा के साथ, राजा की वाइफ चंद्रमुखी, चांद साथ में, तारे आसमान में। ये बेडरूम 15 साल पहले तक ये महल बेडरूम्स खुले हुए थे, अनफॉर्चुनेटली लोग अंदर जाते, दीवारों पे लिखते, स्प्लिट करते, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ये जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत है, इसी की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिला। आप यहाँ से देखेंगे ये नीचे का पार्ट है, थोड़ा सा सीलिंग में आप गौर करिए, गोल्ड का काम है, दीवाने खास, खास मेहमानों का मीटिंग हॉल, दीवाने खास, अंदर का पार्ट विंटर बेडरूम, लार्जेस्ट हॉल ऑफ मिरर इन इंडिया, अंदर में आप काफ़ी रंगीन शीशे देख रहे हैं, ये बेल्जियम और ईरान का ग्लास है। ये स्मेल का ओल्डेस्ट पार्ट है। फाइनली हम लोग ये मानसिंह के पैलेस में आ गए। मैंने आपको बताया मानसिंह ने इसे बनाना स्टार्ट किया, ये पीछे का पार्ट है जो कि मानसिंह ने बनाया, बाहर से हमने देखा जयसिंह का महल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मानसिंह और जयसिंह, जब जयसिंह का महल देखा इट वाज सो ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत था, ये सिंपली बना है चूना मिट्टी पत्थर का। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जयसिंह जो थे, जयसिंह की 2 वाइफ थी, मानसिंह जो थे, मानसिंह की 12 रानी थी, 12 रानी के लिए 12 बेडरूम्स यहाँ बने हुए हैं। कहाँ है 12 बेडरूम? 3 आप देखेंगे ईस्ट फेसिंग में है, 3 वेस्ट में है, 3 नॉर्थ और 3 साउथ। 12 में से हम एक रानी के महल में खड़े हैं, इट्स नॉट ए टॉप, वरांडा एरिया है, रूम वॉज इनसाइड, दैट मच बिग पार्ट फ्रॉम इन टू आउट, ये पूरा एक रानी का पोर्शन है। सेकंड रानी मिडिल में, थर्ड पार्टनर है, 3 रानियां एक साइड में है, 3, 2, 4, 2। तो मानसिंह जो जोधापुर मूवी में दिखाए थे वो तो उनके भाई के लड़के थे ना? मानसिंह की बहन थी जोधापुर, कुछ मूवीज में कुछ में हिस्ट्री में तो ये मानसिंह की सिस्टर थी, बाकी ये लोग कहते हैं मानसिंह की बुआ थी। हाँ, उस मूवी में भी बुआ ही दिखा है ना उनको। हाँ। उस फिल्म को लेके आज भी राजस्थान में कंट्रोवर्सी है, जोधाकर हमारे यहाँ रिलीज नहीं हुई आज तक। ये दरवाजे देखिए काफ़ी खूबसूरत दरवाजे हैं, 16वीं शताब्दी के ओरिजिनल डोर्स हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत कारीगरी की हुई है। आई होप उस ज़माने में यहाँ पे आइवरी हुआ करता था, हाथी दांत। ये दरवाजे हैं, ये बेडरूम्स हैं, ये ऊपर की जो देख रहे हैं पार्ट, यहाँ पे यूनिक्स होते थे, हिंजड़े छक्के, जब राजा लोग लड़ाई में जाते थे, ये बॉडी गार्ड होते थे रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये मानसिंह का अपार्टमेंट, मैंने आपको बताया मेरे नीचे पानी का टैंक है, काफ़ी हॉल खुली, काफ़ी गहरा ये टैंक है पानी का। हम लोग राजस्थान में टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड है, बरसात का पानी इकट्ठा करते थे, साथ ही इस पानी में ये लोग अपना वैल्यूबल चीज़ खजाना छुपा के रखते। राजस्थान में जितने किले महल आप देखेंगे, 2 बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक तो वाटर टैंक्स मिलेगा जिसे हम आज हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, दैट टाइम ये टांके होते थे। सेकंड थिंग आपको मिलेंगी टनल्स, सुरंग, एक इस महल में भी काफ़ी खूबसूरत टनल्स है जो कि यहाँ से जयगढ़ फोर्ट तक कनेक्ट है। इफ़ यू रिमेंबर 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर थी मिसेज इंदिरा गांधी, जयपुर शहर में जो खजाने की तलाश में खुदाई हुई थी वो जयगढ़ फोर्ट में हुई थी, वहाँ भी खूबसूरत वाटर टैंक बना हुआ, जिस टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन वाटर। ये मानसिंह का अपार्टमेंट सामने में मैंने आपको बताया, 12 रानी के 12 कमरे, ये बीच के पार्ट है जहाँ 12 रानियाँ एक दूसरे से मिला करती थी। आप लोगों ने मूवी देखी हो जोधा अकबर, इफ़ यू रिमेंबर ऋतिक ऐश्वर्या में जो सोर्ड फाइटिंग का सीन था वो यहीं पे दर्शाया गया, इसे 12 दरी कहते हैं, 12 दरी। खूबसूरत नज़ारा, आप फोटोग्राफी आप यहाँ पर ले सकते। ये महल पूरा कम्प्लीट हुआ, हम लोग एग्ज़िट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, ये एग्ज़िट का रास्ता है यहाँ से मेरे राइट हैंड साइड में, यहीं से आप बाहर निकलेंगे, महल का निकास द्वार। ये यहाँ से टनल है, आफ्टर कोविड इसे बंद कर दिया, ये टनल यहाँ से जनरली खुली रहती है जो कि जयगढ़ फोर्ट तक कनेक्ट करती है। मैंने आपको बताया जितने किले महल देखेंगे आपको टनल्स मिलेगी, ये टनल्स आपको काफ़ी छोटा यहाँ से गेट दिख रहा है, लेकिन अगर आप अंदर जाके इसके डीप में बात करेंगे तो दैट मच बिग साइज, इतना बड़ा ये टनल अंदर बना हुआ है। ये सामने कुकिंग के लिए कढ़ाई होती थी, जो जोधा अकबर में आपने देखा हो ऐश्वर्या ने जो खाना बनाया था वो द सेम टनल। ये इधर में माँ शिला देवी का मंदिर है जो कि सुबह 6 बजे खुल के 12 बजे बंद हो गया, वापस 4 बजे खुलेगा।
ये राजाओं का निजी ऑन प्रॉपर्टी है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर इस मंदिर में नहीं है। प्रेजेंट जो रॉयल फैमिली जो अभी जयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, ये मंदिर उनका निजी है, माँ दुर्गा का। नवरात्रों में काफ़ी अच्छा क्राउड इस मंदिर में देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा, जहाँ हम घर घर में नवरात्रों में दुर्गा की पूजा करते हैं ये मंदिर। तो देखिए पैलेस हम लोगों ने देखा, होपफुली आप लोगों को एक अच्छा लगा होगा ये पैलेस। माई सेल्फ राजेश कुमार खंडेलवाल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड। मेरा मोबाइल नंबर है 9829058974। प्लीज़ वेलकम इन जयपुर। जयपुर इज़ वन ऑफ द गुड प्लेस फॉर साइट सीइंग। जयपुर बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, एंड जयपुर इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर कोविड। सो प्लीज़ आप लोग जयपुर के लिए मूव करें, और आमेर अगर आप आते हैं तो वंस अगेन मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ 9829058974, राजेश कुमार खंडेलवाल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सो गाइस ये थे राजेश भाई, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिखा है और आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए भी दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।